आखिर आ ही गया, कब से इंतजार कर रही थी इस सेट में। अरे यार ये क्या, ये तो जैसा दिख रहा था ऐसा कुछ भी नहीं निकला। ये तो मेरे किसी काम का भी नहीं है। अब क्या करूं, इन्हें कहूंगी तो गुस्सा करेंगे कि तेरे से 20 बार मना कर रखी है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, पर तू है कि नहीं। ऐसा करती हूँ, इसे छुपा के ही रख देती हूँ, पर उससे फायदा भी तो कुछ नहीं है। आइडिया, एक काम हो सकता है। छोटी, ओ छोटी। हाँ दीदी आ जाओ, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। मेरे लिए? हाँ ये मैंने तेरे लिए मंगाया था, तो कह रही थी ना कि दीदी आपकी चॉइस अच्छी है हर चीज में, तो इस बार है ना मैंने सोचा अपने साथ साथ है ना तेरे लिए भी ये मंगवा दूं। तो ऐसे ही मैंने अपने लिए मंगा दिया और ऐसा ही तेरे लिए, देख के बता कैसा है। दीदी ये तो अच्छा है ना, तो उस पे ना बहुत अच्छा लगेगा, पता भी है, पूरे 1800 रुपए का है। दीदी रेट के हिसाब से कुछ ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा? 1800 रुपये में तो बहुत अच्छा सेट आ जाता। इसीलिए मैं ना तेरे लिए कोई चीज़ नहीं मंगवाती, मुझे पता था तू ऐसे ही नखरे दिखाएगी। अब मैं क्या करूँ, मैंने भी ऐसे ही सेट मंगवा लिया, अब मैं दो दो का क्या करूँगी, अब ये वापस भी नहीं हो सकता। तू है ना दीदी, इतना भी बुरा नहीं है, मैं ले लूँगी, आप परेशान मत हो। पक्का ना? हाँ पक्का। फिर ठीक है, पर अब मैं तेरे लिए कोई भी चीज नहीं मंगवाऊंगी। हे भगवान, रसोई में तो बर्तनों का अंबार लगा पड़ा है, कैसे करूंगी मैं ये साफ, क्या करूं। छोटी, ओ छोटी, बहन सुन तो। हाँ दीदी, बुलाया आपने? बहन ये पट्टी मेरे हाथ में बांध दे, मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है। थैंक यू बहन, अब रसोई में इतने बर्तनों का ढेर पड़ा है, वो भी साफ करने हैं, क्या करूं, अब दर्द भी बहुत हो रहा है। दीदी आप उनकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी बर्तन साफ। अरे वो तो ठीक है, पर खाना भी तो बनाना है। दीदी मैं वो भी कर लूंगी, आप आराम कर लो बस। चल ठीक है बहन। देखा हो गया ना काम, अब आराम से बैठ के मम्मी से बातें करूंगी फोन पर। चलो बर्तन तो हो गए, अब दीदी से पूछ लेती हूँ कि खाने में क्या बनाना है। हाँ मम्मी वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ पता है मम्मी, मेरी देवरानी है ना एक नंबर की बेवकूफ़ है। अभी है ना मैंने एक दो दिन पहले ना एक सेट मंगवाया था ऑनलाइन, वो इतना घटिया था, मुझे तो पसंद आया नहीं। और पता है कितने का मंगाया? 800 रुपये का। अब मैंने सोचा अब इस सेट का क्या करूँ, मेरे लिए तो बेकार है, मेरे तो पैसे चले जाएंगे, तो उस सेट को मैंने अपनी देवरानी को चेप दिया, वो भी 1800 रुपये का। हाँ सच कह रही हूँ, और आज तो मम्मी हद हो गई। आज मैंने देखा ना मेरी रसोई में ना इतना ढेर पड़ा था बर्तनों का, हाथ के दर्द का बहाना करके ना सारे रसोई का काम करवा लिया। और नहीं तो क्या,
हाँ तभी तो कह रही हूँ, मेरी देवरानी ना एक नंबर की बेवकूफ है, सच्ची में हूँ। ठीक है मम्मी। वाह दीदी, आप तो जीनियस निकली। सही कहा दीदी आपने, मैं बेवकूफी तो हूँ जो मैंने आपको जिठानी नहीं अपनी बड़ी बहन समझा था, पर आपने तो कमाल ही कर दिया। सही कहते हैं लोग कि इंसान को ना दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। सही कहा आपने, मैं बेवकूफ़ ही हूँ।